अश्विनी चौबे को बीजेपी की तरफ से कोई आश्वासन दिया जाएगा, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाएगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और बिहार में जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हैं और बीजेपी की तरफ से उन्हें एक सीट गया सीट दी गई है और वहां उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी का गया में विरोध हुआ है और उसके बाद से कई सवाल सामने हैं कि क्या गया के लोग जीतन राम मांझी से नाराज हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जीतन राम मांझी उनके बारे में कहा जाता है कि वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं और आम लोगों तक उनकी पहुंच भी होती है, लेकिन उनका विरोध कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जीतन राम मांझी को लेकर जो विरोध की बातें सामने आई है, क्या वजह रही इसके पीछे, क्या कोई और विस्तृत जानकारी आई है क्या? अगर जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए और गया सीट की बात कर लिया तो फर्स्ट फेज में चुनाव होना है गया में, और ऐसे में जीतन राम मांझी का लगातार विरोध हो रहा है। पहले उनकी विरोध बेलागंज में हुई तो वही, अब उसके बाद उनके ही जो विधायक हैं, उनके पार्टी का जो विधायक है ज्योति मांझी और रिश्ते में उनके समझने लगती हैं, वो उनके क्षेत्र में विरोध हुआ उनको लेकर जैसे कही जाए तो वहाँ के जो जनता लोग उन्होंने नारा लगाया रोड नहीं तो वोट नहीं, और जीतन राम मांझी को वहाँ से सामना भी करना पड़ा। उसके बाद वहां से जब जीतन राम मांझी का विरोध हुआ उसके बाद जीतन राम मांझी वहां से निकल पड़े। लेकिन बता दें कि जिस तरीके जीतन राम मांझी की अगर बात कर लिया तो पिछले भी लोकसभा का चुनाव वहां से जीतन राम मांझी लड़े थे, लेकिन उस समय वक्त था कि उस समय मोदी की लहर में वो हार गए थे, इनके साथ में थे महागठबंधन के साथ, और इस बार एनडीए की तरफ से उनका प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में जीतन राम मांझी के अपने ही जो विधायक का जो क्षेत्र है और ज्योति मांझी उनके क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं कही जाए तो जीतन राम मांझी उन गांव में अगर जाएंगे जिस गांव में अभी तक जो सड़क और रोड नहीं, सड़क नहीं बनी है और बिजली नहीं पहुंची, उस गांव में तो और भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो बता दें कि बाराचट्टी का जो इलाका है वो इलाका एक कही जाए तो देहाती इलाका, उस इलाके में अगर रात के 6 बजे के बाद भी अगर चले जाए तो सड़क नहीं है, और स्थिति में जीतन राम मांझी वहां पे वोट मांगने के लिए पहुंचे थे और ऐसे में जीतन राम मांझी को वहां पे विरोध हुआ। उसके साथ साथ उनके जो विधायक थे ज्योति मांझी उनको भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद जो कही जाए तो अब जो सियासत के बाजार भी है वो भी गर्म हो गई है। एक तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी 16 तारीख को गया में रैली को संबोधित करने वाले हैं, उसके साथ साथ जो 13 तारीख के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो भी उनके प्रचार प्रसार में जाएंगे, और साथ ही साथ कल जो देखा कि कलगुरुआ में जिस तरीके से अमित शाह ने रैली का संबोधित किया, उसके बाद वहां से कही जाए तो वहां के वोटरों को तो साधने में कोशिश में कामयाब अभी नहीं कहा जाए, वो कोशिश किए, लेकिन जो जीतन राम मांझी का अपने ही क्षेत्र में विरोध हो रहा है, ऐसे में जो चुनाव का नतीजा आएगा तो क्या जीतन राम मांझी को इस बार क्या जो एनडीए की लहर में जो जीतन राम मांझी को इस बार क्या सांसद चुनेंगे, और ऐसे में कही जाए जीतन राम मांझी जो जब ग्रामीणों से नोकझोंक हो रहा था उस समय जीतन राम मांझी कह रहे थे विधायक का चुनाव नहीं है ये सांसद का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, हमको वोट नहीं कर रहे हैं मोदी जी को चुन रहे हैं, लेकिन अब जनता है, जनता किनको चुनती है, क्योंकि वहां जो कही जाए तो महागठबंधन की तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्व मंत्री कुमार सरबीत है वहां से, और आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी के विधायक भी हैं कुमार सरबीत तो उनके साथ मुकाबले में है, और ऐसे में को जो 16 तारीख को जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी मैदान में, उसके बाद जो देखना होगा कि उसके बाद क्या जनता का क्या मिजाज होता है, क्योंकि वहां जो है 19 अप्रैल को पहले चरण में वहां पे वोट डालना है, और ऐसे में जीतन राम मांझी लगातार सभी लोगों को सभी के बीच में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जो वोट है वोट कहीं इधर उधर ना हो, सारे वोट जो एनडीए के खेमे में और हमें वोट मिले। जी बिल्कुल विवेक, एक लाइन में कहा जा सकता है कि चूंकि उनकी समधन ज्योति मांझी से लगता है लोग काफी नाराज थे और इसी के खामियाजा जीतन राम मांझी को उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, उनके समधन जो ज्योति मांझी हैं उनसे लोग नाराज थे, क्योंकि वहां से लगातार 2 बार वो विधायक चुनकर आई हैं, तो ऐसे में उस क्षेत्र में अगर विकास नहीं करेंगे तो जनता तो जरूर उनके से मायने मांगेगा कि जनता के बीच लिए क्या काम किया, और ऐसे में वो उस क्षेत्र में उन्होंने गया चुनाव जो गया लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है बाराचट्टी, और बाराचट्टी में इन्होंने गया उसके बाद इनको विरोध का सामना करना पड़ा, उस समय वहां पे उनके विधायक भी खड़ी थी जो ज्योति मांझी वो भी वहां पे थी,
नहीं, उसके बाद भी इनको नोक झोंक हुआ और जो जीतन राम मांझी को कहना पड़ा यहाँ तक कि ये विधायक का चुनाव नहीं, हम आपको ज्योति मांझी के लिए नहीं आए यहाँ पे वोट मांगने के लिए, हमारे लिए वोट देना है आपको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह वोट देना है। ऐसे में जो कही जाए तो जब वहां से निकले भी उसके बाद भी लोगों के जो काफिले थे जो जनता उन्होंने खदेड़ा तक यहाँ तक कि वो उनसे और नारे लगाया कि जब तक रोट नहीं जब तक वोट नहीं, यानी कि पिछले अगर लोकसभा के भी अगर जिक्र कर लिया तो उस समय भी बाराचट्टी के कई जो गांव के ऐसे लोग हैं जो उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था, वो गया जो लोकसभा सीट है जो सुर्खियों में रहा था उस समय भी विरोध किया था, लेकिन इस वक्त अब इस बार जो चुनाव होने वाला है इस बार जो वोट होने वाला है क्या इस बार वोट लोग करने जाएंगे या फिर से वही पुराने जो समीकरण है उसको दोहराएंगे और विरोध करेंगे जीतन राम मांझी को? जी उदय। चलिए विवेक, ये देखने वाली बात ये होगी कि जीतन राम मांझी का जादू कितना चलता है और अपनी समधन ज्योति मांझी का जो विरोध उनके वोटर्स कर रहे हैं उसका वो जवाब कहां तक दे पाते हैं और उन्हें कहां तक मना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।